अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम आपके साथ खीर और पूरी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस ईद मिलादुन्नबी पर हमारी ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिए। इतनी मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स, और बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये खीर पूरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस ईद मिलादुन्नबी पर ज़रूर से ट्राई कीजिए हमारी रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं खीर पूरी हम कैसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बासमती राइस हमने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। फिर इसको पानी में से निकाल कर इस तरह फैन के नीचे ड्राई कर लिया है, ये देख सकते हो आप। इस तरह से इसको ड्राई कर लेना है, आधा घंटा आप इसको भीगने के लिए रख दीजिए और फैन के नीचे इस तरह से इसको ड्राई कर लीजिए। फिर इसका दरदरा सा पाउडर हमको तैयार कर लेना है। ये बासमती राइस है, बहुत ही अच्छी खीर इसकी बनकर तैयार होती है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक लीटर दूध हमने बॉईल होने के लिए रख दिया। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो हम डेढ़ लीटर दूध डालेंगे फ्रेंड। आधा दूध हमने साइड में रख दिया है, आधा लीटर वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हमारा खीर गाढ़ी लगने लगेगी हमें तब। और यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने चावल का इस तरह से दर दर सा पाउडर तैयार किया है। एक कटोरी लिया हमने, आपके हिसाब से लीजिए, आप कितनी बना रहे हो वो हिसाब से लीजिए। चम्मच से आप इसको नापोगे तो ये 5 चम्मच फुल भर कर रहेगा, खाने वाले चम्मच। ये भी अच्छे से पक जाएगा तब हम इसके अंदर आधा लीटर जो दूध हमने बॉईल करके रखा हुआ है ना, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हमको गाढ़ा दिखने लगेगा तब। तो आप देख सकते हो राइस अच्छे से अंदर पक चुके हैं, और ये राइस बहुत जल्दी पक जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने आधी कटोरी शक्कर ऐड की है, आपके हिसाब से ऐड कीजिए, आप कितना मीठा पसंद करते हो वो हिसाब से। और ये होममेड इलायची पाउडर है, ये हमने 1 चम्मच फुल भर कर लिया है, ये ऐड कर दिया है। थोड़ी सी शक्कर और इलायची डालकर उसका पाउडर तैयार करोगे तो हो जाता है। ये ड्राई फ्रूट सब फ्राई करके रखे हुए, काजू बादाम पिस्ता सब कुछ है इसके अंदर मिक्स, ये फ्राई करके रखा हुआ ये ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट भी आपके हिसाब से ऐड कीजिएगा। फुल फैट दूध लीजिए, उससे बहुत अच्छी रबड़ीदार हमारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है वेनिला का, ये हमने दूध में घोल कर रखा है, तो इस तरह से इसको चलाना है। और सभी हम ऐड कर देंगे और फटाफट से हाथ चलाएंगे, इसके अंदर लम्स नहीं होने देना है हमको। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। 5-6 मिनट हो चुके हैं हमारी खीर को पकते हुए, 5-6 मिनट में राइस अच्छे से अंदर पक चुके हैं। तो ये वाले राइस बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत जल्दी टेंडर हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं अंदर, तो बहुत मज़ेदार इसकी खीर बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है इसको बनाना और इतनी मज़ेदार लगती है खाने में। आप देख सकते हो कलर इसका कैसा चेंज हो चुका है, देख लीजिए आप कितना प्यारा लग रहा है। तो आप देख लीजिए कितनी हमारी गाढ़ी खीर हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे 5 से 6 मिनट। अब फ्लेम का बड़ा ध्यान रखना है, स्लो मीडियम के बीच हमको इसको पकाना है। तो ये देख लीजिए, आधा लीटर जो दूध था वो हमने ऐड कर दिया और इसको पकने दिया है स्लो मीडियम के बीच। गैस का बड़ा ध्यान रखना है। और 150 ग्राम हमने मावा लिया है, ये ऐड कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसको चूरा करके डालेंगे। मावा डालने से भी हमारी खीर बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से ऐड कीजिएगा आप मावा इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना ऐड करना हो आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देख लीजिए मावा डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया है, खवा डालकर, मावा खवा इसको दोनों भी बोला जाता है। तो बहुत बेहतरीन सी खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी और भी हम इसको पकने देंगे स्लो या मीडियम के बीच। गैस का बड़ा ध्यान रखना है, ध्यान हमको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। तो इसको पकने देंगे और भी हम, तो और भी हमारी खीर गाढ़ी गाढ़ी हो जाएंगी रबड़ी की तरह। और इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, खुले में पकाना है, चम्मच चलाते रहना है। तो ये देख लीजिए फाइनल लुक इसका, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है रबड़ी की तरह, देख लीजिए आप। तो फटाफट गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पूरी के साथ में भी खा सकते हो। बहुत मज़ेदार खीर बनकर तैयार हुई, ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स ये रेसिपी हमारी। और कैसी बनी कमेंट करके ज़रूर बताना, जब भी आप इसको ट्राई करोगे तब कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। हमारी रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की इजी इजी सिंपल सी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और ज़रूर से खीर बनाइए फ्रेंड, बहुत मज़ेदार बनती है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिए रबड़ी जैसी खीर। जब भी आप इसको ट्राई करोगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको बार बार ट्राई करना चाहोगे, इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए इस तरह से हमने इसको सर्व किया है, थोड़े से हमने इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स।
तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कितनी झटपट कितनी मज़ेदार खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस ईद मिलादुन्नबी पे ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कमेंट कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब है फ्रेंड, जब आप इसे ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस ईद मिलादुन्नबी पे हमारी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। और पूरी भी बहुत सिंपल तरीके से हम बताने वाले, एकदम फूली फूली बनेगी पूरी, गेहूँ के आटे से बनाएंगे और कुछ भी उसके अंदर ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आप पूरी देख लीजिए हम कैसे बनाने वाले हैं। एकदम टेस्टी एकदम फुली फुली पूरी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी और हम कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करने वाले हैं, आपके सामने आप खुद देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है फुल भरकर, गेहूं के आटे से ही टेस्टी बनती हमारी पूरी। और नमक लिया है हमने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से, आपको अगर नमक पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, लेकिन नमक से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये गेहूं का आटा है सिंपल, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है, नमक डालकर बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। जो रोटी को आटा गूंथते हैं हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथते हैं, उससे हमको थोड़ा सा टाइट रखना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है इसके अंदर। गेहूं के आटे की पूरी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। हमने इसके अंदर तेल वेल कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो दो कटोरी आटे को एक कप पानी पूरा चाहिए हमको, इस तरह से ही गूनना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा आप। तो आप देख सकते हो सभी पानी हमने यूज कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं बचा है, देख लीजिए आप। अभी हम इसके अंदर तेल ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले बिल्कुल भी तेल नहीं ऐड किया, आपने देखा है। तो आधा चम्मच ही लिया है हमने यहाँ पर, आप देख लीजिए देंगे, और इसको हम अच्छे से मल कर फिर इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट। हम इस तरह से ही बनाते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे तरीके से एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। आधा ही चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डाला है, देखा ना आपने। ना ज्यादा नरम है ना ज्यादा टाइट है, ज्यादा नरम भी नहीं भूनना है हमको और ज्यादा टाइट भी नहीं, क्योंकि रोटी को हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखते हैं ना आटा, उस तरह का भी नहीं चाहिए हमको। ये देख सकते हो आप इस तरह का है, थोड़ा टाइट मीडियम है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा सॉफ्ट। अभी हम इसको अच्छे से इस तरह से करके गोल करिए, इसको रख देंगे, देखिए इस तरह से। अभी हम इसको 10 मिनट ढककर रख देंगे, 10 मिनट के बाद बताएंगे आपको। तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने आटे को रेस्ट के लिए रखा था, तो बहुत अच्छे से हमारा आटा रेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गेहूं का आटा लेकर रखा हुआ है प्लेट के अंदर। तो अभी हम इसके पहले छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे, दो तरह से हम आपको दिखाएंगे, आपको जैसा भी पसंद हो उस तरह से आप पूरी बना सकते हो। देखिए इस तरह से हाथ पे इसको गोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका पेड़ा तैयार किया है, तो दो तीन हम उसी तरह से करके रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए हाथ के ऊपर और इसको अच्छे से इस तरह से गोल कर लीजिए, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, पेड़े बनाकर हमने रख दिए। और एक तरीका हम आपको दिखा देते हैं, वो भी देख लीजिए आप। इस तरह से बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे हम, दो रोटी के इतना, और इसको भी अच्छे से मल लेंगे इस तरह से, अच्छे से मल लीजिए इसको। और दो रोटी का इतना आटा हमने ले लिया है, देख सकते हो आप।
अब ये वाला आटा हम साइड में रख देंगे और ये देख सकते हो आप तो ये चकला बेलन ले लिया हमने, नीचे पेपर बिछा दिया आप देख सकते हो, आपको दिखा रहे हैं। तो गेहूं का आटा इस तरह से, सूखा आटा इस तरह से फैलाना है हमको सब तरफ चकले के ऊपर, और इसको इस तरह से हाथ से बड़ा कर लेना है। देखिए इस तरह से तो हमने अच्छे से बड़ा कर लिया है, इसको रख दिया है, आप देख लीजिए। अभी हम इसको बेल लेंगे। साइड से बेलना है हमको इसकी किनारी, बीच में नहीं बेलना है, एक जैसी रोटी आना चाहिए, तब ध्यान से देखिए और इसी तरह से कीजिएगा फॉलो। तब देख सकते हो कितनी बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है। अभी आपके पास डब्बे का ढक्कन होगा तो उससे भी आप कर सकते हो, या इस तरह से आप गिलास से इसको कर लीजिए, ये बहुत इजी रहता है इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये देख सकते हो आप, गिलास से हमने इसको कट कर लिया है। ये साइड हम हटा देंगे इसकी, तो ये देख लीजिए आप कितने अच्छे से हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। और ये इस तरह से कर लोगे तो शेप एकदम अच्छे से हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींच कर इस तरह से कर दोगे तो ये गोल शेप में आ जाएगी। तो ये बहुत इजी रहता है, फटाफट आप इसको तैयार कर सकते हो। कितनी सारी पूरी हमारी तैयार हो चुकी है और देख लीजिए आप, मीडियम साइज की पूरी हमारी। तभी हम इसको पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि चिपके ना। मैं अच्छे से तेल लगा लिया है ये पेड़े को, देख लीजिए आप। इसको इस तरह से एक एक कर हमको बेलना होता है, और वो फटाफट एक रोटी आप बेल लोगे और उसको कट कर लोगे तो वो इजी रहता है, इसमें से ज्यादा वक्त लग जाता है, वो फटाफट हो जाता है। तो आपको जो इजी लगे आप उस हिसाब से कीजिए। हमने आपको दोनों भी तरीके दिखा दिए हैं। इसके भी हमको किनारे बेलनी होती है इस तरह से उठा उठा कर, तो ये देख सकते हो आप बेल लिए हमने। इसको भी हम साइड में रख देंगे, ये हमने तेल लगाकर बेला है। अभी हम इसको आटा लगाकर बेल कर दिखाएंगे आपको। इस तरह से सूखे आटे में इसको डिप कर लीजिए, अच्छे से कोट कर लीजिए आटे में, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको, फिर इसको बेल लीजिए। हमको उठाना नहीं पड़ता है, तेल वाला थोड़ा उठा उठा कर हमको बेलना होता है। आटा लगा दोगे तो फिर इस तरह से थोड़ा सा बेलन हमको घुमाते जाने या अपने आप शेप भी ले लेती है और बड़ी भी हो जाती है, आप खुद देख लीजिएगा। तो हम इसी तरह से बनाते हैं आटा लगाकर। तो ये कितने अच्छे से हो चुकी है देख लीजिए आप, आटा लगाकर। अगर आपको आटा लगाकर इजी लगता है तो आटा लगाकर कीजिए, या तेल लगा के कीजिए, या उस तरह से कीजिए। ये हमने बड़ी बड़ी बना ली है, जो तेल लगा के किया है वो भी बड़ी है, और जो आटा लगा के किया है वो भी बड़ी है, आप देख सकते हो। और ये वाली हमने इस तरह से पेपर के ऊपर रख दिया है, देख लीजिए आप, ये हमारी छोटी छोटी है। इस तरह से पेपर पे रख दीजिए तो ये फिर चिपकेगी नहीं। तो आपको जो अच्छा लगा आप उस तरह से ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम इस तरह से इसको फटाफट बेल कर साइड में पेपर पे रखते जाएंगे, फिर फ्राई करने का दिखाएंगे आपको बाद में, पहले हम इसको बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो हमने गिलास से कट कर ली थी वो पहले एक ऐड करके देखेंगे तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हो पूरी हमारी फूल कर ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है।
और ये बहुत अच्छे से फूल भी चुकी है, देख सकते हो आप। इसको निकाल लेंगे। अभी हम फटाफट से हमारी सभी पूरी इसके अंदर ऐड कर देंगे, जितनी इजीली हमारे पैन में आ जाएगी उसमें। ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो जितने इजीली पैन में आ गई उतने हमने डाल दिए, और ये सभी पूरी हमारी फूल कर अच्छे से ऊपर आ चुकी है। ये भी देख सकते हो आप कितनी फूल चुकी है। ये जो हमने गिलास से इसको कट किया था ये वो वाली है। कितना प्यारा कलर आ चुका है एक साइड से, ये भी देख सकते हो आप। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी से इसके अंदर कलर आ जाता है। तो आप देख सकते हो इस साइड से भी बड़ा प्यारा कलर आ चुका है, देख लीजिए आप। सभी हमने कलर दिए, अभी हम इसको निकाल देंगे। और कितने अच्छे से हमारी पूरी फूल चुकी है ये भी देख सकते हो आप। और इसी तरह का कलर चाहिए हमको। इस तरह से पूरी फूलना चाहिए तभी वो खाने में टेस्टी लगती है। ये देख सकते हो आप, अभी हमने जो बेल कर तैयार की थी ये ऐड कर देंगे। ये बड़ी बड़ी है हमारी। ये देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना है इसको, टच बिल्कुल भी नहीं करना है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगी। तब हम इसके अंदर दूसरी छोड़ेंगे हमारी। ये देख सकते हो आप, ये वाली भी हमारी फूल कर ऊपर आ चुकी है। इस तरह से बलून की तरह फूलना चाहिए पूरी। और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया था, देखा ना आपने, सिर्फ नमक गेहूं का आटा। कितने अच्छे से फूल चुकी है आप देख सकते हो, बलून की तरह हमारी पूरी फूल चुकी है। इस तरह से पूरी फूलेगी तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है, देखा ना आपने, आपके सामने हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। ये वाली हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, इसको हम पहले निकाल देते। ये वाली देख लीजिए आप कितने अच्छे से हो चुकी है। इस तरह से इसको पकड़ कर फ्राई करेंगे। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से फूल चुकी है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। देखिए और एक छोड़ दिया हमने, इसको टच नहीं करना है, कलछी से इसको दबाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएगी। आप खुद देख लीजिएगा, हमने इसको टच नहीं किया है, ये अपने आप ऊपर आ चुकी है। और एक साइड से होने के बाद हम इसको दूसरे साइड से इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे। ये बहुत फूल रही है देख लीजिए आप, हमारे तरीके से एक बार जरूर फ्राई करके देखिए, आपकी पूरी भी इंशाल्लाह इसी तरह से फूल कर तैयार हो जाएगी। और आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर आया है। ऑयल का भी बड़ा ध्यान देना है, मीडियम फ्लेम पर इसको रहने देना है। ये देख सकते हो आप, ये आ चुकी है ऊपर। हम इसको पलट देंगे तो एक साइड से ये बहुत अच्छे से हो जाती है, हमको इसको कुछ भी नहीं करना है। कितनी बलून की तरह फूल चुकी है देख लीजिए आप। ये देख सकते हो आप,
सिंपल तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हो आप कितनी फूल चुकी है ये। देखिए दूसरी भी हमने डाल दी, ये भी ऊपर आ चुकी है। एक भी पूरी ऐसी नहीं है कि हमारी पूरी फूलेगी नहीं, सब पूरी फूलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक फूलेगी और दूसरी नहीं फूलेगी। हम आपके सामने फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके फायदे की रहेगी। आप कुछ भी मत ऐड कीजिएगा, सिंपल आटा गूंद लीजिए और इसको इस तरह से बना लीजिए। आपको ज्यादा ब्राउन करना हो तो आप ज्यादा ब्राउन कर सकते हो, लाइट लाइट कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस तरह से इसको फ्राई करना है। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से ये फूल कर आ चुकी है। ना हमने इसको दबाया ना कुछ किया आपके सामने। देख सकते हो आप कितनी फूल चुकी है ये। ऐसा लग रहा है कि अभी फट जाएगी, इतनी फूल चुकी है। आप खुद देख लीजिएगा, पता नहीं लोग क्या क्या ऐड करते हैं पूरी के अंदर, पर हम इसी तरह से सिंपल तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसी तरह से हमेशा बनाते हैं घर पर। देख सकते हो आप इस तरह से रख दोगे ना तो इसका जो भी स्टॉइल होगा वो निकल जाएगा, ये अपने आप आ जाती है, इसको दबाने की कोई जरूरत नहीं हमको। बिल्कुल भी मत दबाइएगा आप इसको। देख सकते हो आप कोई भी पूरी हमने आपके सामने सभी छोड़कर दिखा दी आपको, कोई भी ऐसी हुई है कि जो नहीं फूली है, निकाल कर हम इसको साइड में रखते जाएंगे। आपको किस तरह से इसका कलर चाहिए, लाइट लाइट कैसा चाहिए, आप वो हिसाब से आप इसको फ्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखिए ये अपने आप ऊपर आ चुकी है, दूसरी डालेंगे। वो ऊपर आने के बाद फिर हम तीसरी डालकर देखते हैं क्या आएगी कि नहीं आएगी। ये वाली हम निकाल लेंगे। देख सकते हो वो वाली भी हमारी हो चुकी है। इस तरह से हम फ्राई करते हैं, एक एक करके ये होते जाते हैं, निकाल कर फिर दूसरी ऐड करते जाते हैं हम फटाफट से। इसके अंदर वक्त भी नहीं लगता है, फटाफट से हो जाती है। एक निकालेंगे फिर दूसरी डालेंगे, एक निकालेंगे दूसरी डालेंगे, इस तरह से करोगे तो आप फटाफट आपका काम भी इजी हो जाएगा। अभी सभी हम इस तरह से फ्राई करके फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप सभी पूरी हमने फ्राई करके इस तरह से पेपर के ऊपर डाल दिया था। तो आप देख लीजिए कोई भी पूरी ऐसी नहीं है कि जो हमारी फूली नहीं, और इस तरह से आपको कोई भी नहीं बताएगा। एकदम जैसे हम घर पे फ्राई करते हैं उसी तरह की पूरी पूरी रेसिपी दिल से आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से हमने बताने की आपको कोशिश की है। एक भी पूरी हमारी ऐसी नहीं है कि जो पूरी फूली नहीं है। और छोटी वाली भी देख लीजिए आप, इस तरह से हमने इसको प्लेट में रख दिया। ये भी सभी फूल चुकी है, देख सकते हो आप बलून की तरह फूली है सब। ये देख लीजिए आप, और ये वाली भी देख सकते हो सभी पूरी हमारी। तो इस तरह से हमने आपको दिखाने के लिए रखा है कि कोई भी पूरी ऐसी नहीं है हमारी कि जो फूली नहीं है। एक हम आपको तोड़कर भी दिखाना चाहेंगे कि ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती अपने अंदर। ये देख सकते हो आप, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, मीडियम साइज़ की है। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। देख लीजिए आप, इस तरह की पूरी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं है। ये भी देख लीजिए आप, ये ऑयल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इस तरह से आप हमारे तरीके से फॉलो कीजिए और बनाइए, देख सकते हो आप।
तो कोई कोई पूरी कितनी ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी पूरी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। सभी पूरी हमारी उसी तरह की बनकर तैयार हो चुकी है और एक दिखा देंगे हम आपको तोड़कर। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी इसके अंदर आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा। ये देख सकते हो आप, तो आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत दिल से कोशिश की है बहुत अच्छे से अच्छा बताने की, जैसे हम घर पे बनाते हैं उसी तरह से हमने आपके साथ शेयर की है रेसिपी। तो बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करती अपने अंदर, आप देख सकते हो, और एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम पूरी रहती है। गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है गर्मा गर्म फुली फुली पूरी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। आप इसको ट्राई करोगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप इसको खीर के साथ खाइए, छोले के साथ खाइए, जो पूरी के साथ भाजी होती है उसके साथ आप इसको बनाकर खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड, किसी के भी साथ में आप इसको खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप फॉलो कीजिए, एकदम सिंपल तरीके से उसी तरह से करना है आपको भी, तो आपकी पूरी भी इंशाल्लाह इसी तरह से फुली फुली बनकर तैयार हो जाएगी। और आप जब ट्राई करोगे तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इस ईद मिलादुन्नबी पर ये हमारी खीर पूरी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। रेसिपी अगर आपको दोनों भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आई गए हो फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की ईजी ईजी रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।